नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहरी मुंबई। इस वक्त हम लोग मछली शहर विधानसभा में मौजूद हैं। जैसा कि यहां पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण जी तशरीफ़ ला रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं यहां के उम्मीदवार जो हैं, प्रत्याशी जो हैं एसपी मानव जी, इनसे कुछ ख़ास बातचीत मैं करना चाहूँगा कि किस तरीके से सर तैयारियाँ चल रही हैं और कितनी देर में चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। इसी सिलसिले से मैं आपको बात करूँगा कि क्योंकि मैं आपको बता दूँ, चुनावी माहौल है और चुनावी रणभूमि है। इस रणभूमि में किसकी होगी विजय और कौन बनेगा विजेता, इसके लिए मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। कितनी देर में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ तशरीफ लाएंगे? लगभग 40-50 मिनट में आ जाएंगे। सर किस तरीके से तैयारियाँ चल रही? बिल्कुल ज़मीन पर सारे कार्यकर्ता जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, चूँकि सरकार के गाइडलाइन और चुनाव आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग किए हैं और जनता बिल्कुल पुराने राजनीति से उठ चुकी है, आक्रोशित है और इस बार वो परिवर्तन करने जा रही है भीम आर्मी। जैसा कि सर आज़ाद समाज पार्टी पहली मरतबा चुनाव लड़ा रही है विधानसभा मछली शहर में, और इससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल ही दौड़ा करती थी, क्या इस बार आप जीत पाएंगे? अब इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, ये आप परिणाम देखिएगा। 10 तारीख को लोग बताएंगे कि साइकिल दौड़ेगी या फिर केतली चलेगा, ये 10 तारीख को अंजाम। केतली आपके चुनाव जी केतली चुनाव चिन्ह है और ये 10 तारीख को बताएगा, चूँकि विकास के नाम पे जो चीज़ें हैं पिछले 3 बार से लगातार यहाँ पे सपा के विधायक रहे हैं और ये केवल मतलब खोखली चीज़ें हैं। विधायक क्या होता है, विधायक के काम क्या होते हैं, ये जनता को पता नहीं। विधायक का दर्शन तक नहीं हुआ जनता को, तो जनता का इनके आक्रोशित है और इस बार वो परिवर्तन करने के लिए आप देख सकते हैं पूरे जन सैलाब के साथ जो है यहाँ पूरा उमड़ा हुआ है। और अभी जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन होता है तो पूरी मछली शहर के जो है ना वो युवा जो है साथ मिलकर। सर एक लास्ट सवाल, जैसा कि चंद्रशेखर रावण जी भीम आर्मी के चीफ जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, तो क्या स्थिति कुछ बदलेगी, कुछ तब्दील होगी स्थिति? बिल्कुल बदलेगी, चूँकि आज युवाओं का जो असली आइकान बने हैं वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, चूँकि युवा जो है उनके ऊपर भरोसा करता है और मात्र एक ऐसा चेहरा शोषण के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभाए तो चंद्रशेखर आज़ाद है, इसलिए लोग चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करते हैं और उनके साथ मजबूती से इस बार लोग तैयार हैं। सर क्या इस बार जो है मछली शहर विधानसभा में दलित वर्ग से जो है मेहीलाल गौतम जी हैं और आपके भी वोटर जो हैं ज़्यादातर जो हैं दलित वर्ग से ही आते हैं, तो क्या इस बार आप सामना कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? एकदम, क्योंकि जानते हैं 5 साल जो है पूरी तरह से भाजपा सरकार जो है दीमक की तरह लोगों को खाई है, इसलिए लोग एकदम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं समाज में हम लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, लोगों को जब बताए हम लोग की भीम आर्मी से, लोग कहें कि हाँ वास्तविकता है कि ये लोग जमीनी स्तर पर 5 साल से 10 साल लगातार लोगों की पीड़ा सुने हैं, लोग इस बार जो है परिवर्तन करने के मूड में है और निश्चित है इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारे समाज में जो है जानते हैं ज़्यादातर लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं है और एकदम पीड़ित है, इसलिए जो है इस बार बदलाव करेंगे। सर शुभ नाम आपका? हमारा नाम इंजीनियर राहुल कुमार गौतम है, वर्तमान जिला पंचायत वार्ड नंबर 42 से। सर एक सवाल आपसे है, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी से विजय पासी जी हैं, तो क्या बहुजन समाज का वोट भी इसी वर्ग से है, तो क्या उस पर आप क्या कहें? देखिए एक मोटो जो है ना जो बहुजन समाज लोग कहते हैं, आप भी अगर इस बात को समझे तो बहुजन समाज मतलब बैकवर्ड एससी मुस्लिम, ये माननीय कांशीराम साहब का फार्मूला था और वो उस फार्मूले से कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी पार्टी है वो भटक गई है और आज कुछ और चीज़ें वो करा रही, तो उससे चूंकि बार बार सरकार बनाई गई है, सरकार बनाने के बाद जो परिणाम है वो लोगों के सामने है और आप ये जन सैलाब को ही देखकर आप वो लगा सकते हैं कि क्या बहुजन समाज के लोग परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये 10 तारीख को पता चलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ एसपी मानव जी जो कि मछली शहर विधानसभा के प्रत्याशी हैं और बहुत ही इनको जन समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कैमरा इधर दिखा दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जय भीम 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 जय भ
माना जिंदाबाद 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 माना जिंदाबाद 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 के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार सरोज जी, तो आइए हम आपको सुनते हैं। जितने भी वॉलंटियर हैं, प्लीज आप लोग यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखें। आप लोग ही हमारे इस देश के गर्वधार हैं, क्योंकि हमारा देश युवाओं के हाथों में होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो कि भारी भीड़ के साथ इस कार्यक्रम स्थल पर पधारे हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत। तो आइए कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं